भारतीय सेना के एक अद्भुत रणबांकुरे प्रतिपाल सिंह का रविवार को अवसान हो गया। वे 100 वर्ष के थे और 11 दिसंबर को 101 वर्ष के होने जा रहे थे। उनकी विशेषता यह थी कि वे सेना के तीनों अंगों में काम कर चुके थे, यानी उन्होंने वायु सेना में भी काम किया, नौ सेना में भी काम किया और थल सेना में भी काम किया। प्रतिपाल सिंह जी पंजाब के पटियाला में के रहने वाले थे और हाल मुकाम उनका चंडीगढ़ में था। 1920 में उनका जन्म हुआ। वे इंडियन रॉयल एयरफोर्स में उन्होंने नौकरी शुरू की और उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया। दूसरे विश्व युद्ध के समय वे उस समय उनको नौसेना में ले लिया गया था। वो नौसेना अधिकारी थे और द्वितीय विश्व युद्ध में जो हमारे पोत हैं उनकी रक्षा का काम उनको सौंपा गया था। इसके बाद उनका ट्रांसफर थल सेना में कर दिया गया। तो इस प्रकार से उन्होंने न सिर्फ एक फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में काम किया, बल्कि एक नौसेना अधिकारी के रूप में भी अच्छी सेवाएं दी और यही कारण है कि उन्हें थल सेना में भी कार्य करने का अवसर मिला। और ये एक अद्भुत बात है कि वे भारतीय इतिहास के एक ऐसे अनूठे नौसेना अधिकारी, वायुसेना अधिकारी और थल सेना अधिकारी थे जिन्होंने तीनों अंगों में अपनी सेवाएं दी। ऐसा एकमात्र इतिहास का ये उदाहरण है। उन्होंने भारतीय थल सेना में जब वे आए तो वे असम रेजिमेंट में उन्होंने काम किया और वे मणिपुर में भी तैनात रहे। 1965 के युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया। उन्होंने आजादी के समय जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी 1949 में, उस वक्त भी उनकी भूमिका थी। 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई में कुछ पाकिस्तानी सैनिक उनकी बैटरी चुरा कर ले गए, लेकिन वे इतने साहसी थे कि वे उनके पीछे पीछे गए और वो बैटरी वापस लेने में सफल रहे। हमारे ऐसे अद्भुत नौजवान, ऐसे अद्भुत रणबांकुरे, ये नौजवान मैंने इसलिए कहा कि वे 100 की उम्र में भी नौजवानों की तरह कार्य करते थे और उनकी जीवन शैली थी हमेशा खुश रहना। इसी जीवन शैली के कारण उन्होंने अपने 100 साल जो है हंसते खुशी के साथ बिता दिए और यही कारण है कि वे कभी बीमार नहीं पड़े। वे लोगों से मिलते थे और हमेशा खुश रहते थे। उनका कभी किसी से विवाद नहीं होता था और जो लोग विवाद करते थे वे उनसे बहुत दूर रहते थे और ऐसे लोगों के बीच में हमेशा वो लोकप्रिय रहे जो कि उनको पसंद करते थे और उनके बीच जाकर अपना सौभाग्य अनुभव करते थे। देश के ऐसे वीर सिपाही को हमारा सहस्त्र नमन।